डियर फ्रेंड्स, आज हम एक आइडेंटिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर कैसे किया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। देखिए, मैंने एक ग्रीन पेपर लिया है। ठीक है, ग्रीन पेपर हम इसको कैसे डिवाइड किया, देखिए देखिए यहाँ से यहाँ इसका जो लेंथ है इसको हम लिए हैं x, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ लिए हैं इसको लिए हैं a, यानी कि द लेंथ ऑफ दिस पेपर विल बी x प्लस a, राइट। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसका लेंथ लिया हूँ x और इसका लेंथ लिया हूँ b, तो ब्रेथ ऑफ दिस पेपर विल बी x प्लस b, राइट। तो ये जो ग्रीन पेपर है इसका एरिया कितना होगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, राइट। इसका एरिया होगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अभी हम ये पेपर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इस पेपर को काट देते हैं तो इसे फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। इसको कैसे डिवाइड किया है, मैं देखिए ये है x, ये भी x, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ साइड इंटू साइड यानी कि एक्स स्क्वायर होगा, राइट। यहाँ देखिए इसका लेंथ है x, ब्रेथ है a, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि ax। यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है इसका लेंथ है x, ब्रेथ है b, तो इसका एरिया होगा bx। और ये फोर्थ पार्ट है इसका लेंथ है a, ब्रेथ है b, तो इसका एरिया होगा ab, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक फोर पेपर्स का ऑरेंज पेपर लिया हूँ, सेम एज दैट सेम। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो सेम वैल्यू यहाँ पर दिया हूँ x, लेंथ और ब्रेथ दिए हैं x, तो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर देखिए ये जो पेपर दिया हूँ ये है लेंथ है x, ब्रेथ है a, तो इसका वैल्यू होगा ax, राइट। और फिर पेपर है ये पेपर है ये पर देखिए इसका लेंथ है x, ब्रेथ है b, तो ये होगा bx। और एक पेपर है जो जिसका लेंथ है a और ब्रेथ है b, तो इसका पार्ट होगा ab। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रीन पेपर और ऑरेंज पेपर कोइंसाइड हो जा रहा है, राइट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द एरिया ऑफ द ग्रीन पेपर और एरिया ऑफ द ऑरेंज पेपर इज सेम। तो ऑरेंज पेपर को हम यहाँ से काट लिया फोर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, तो फोर पार्ट्स को हम जोड़ देने से हमको ग्रीन पेपर के एरिया का बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एरिया ऑफ द ग्रीन पेपर कितना हो रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इन फोर पेपर्स का अगर प्लस करेंगे तो ये वाला पेपर कितना होगा, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ये एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर देखिए जो पेपर है प्लस, इसका लेंथ है एक्स, ब्रेथ है बी, इसका एरिया होगा बी एक्स। ये जो पेपर है ये देखिए इसका लेंथ है एक्स, ब्रेथ है ए, इसका एरिया होगा ए एक्स। और ये जो पेपर है इसका लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, इसका एरिया होगा ए बी। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए दिस एरिया ऑफ दिस पेपर इज एक्स स्क्वायर, देरी एरिया ऑफ दिस पेपर इज बी एक्स, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए एक्स एंड एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए बी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स कॉमन लेते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम देख सकते हैं द एरिया ऑफ द ग्रीन पेपर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फोर ऑरेंज पेपर्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, हम यहाँ क्या दिखाएं कि एरिया ऑफ द ग्रीन पेपर एंड एरिया ऑफ द फोर पेपर्स इज सेम, राइट। इट इज एरिया ऑफ द ग्रीन पेपर कितना होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एंड एरिया ऑफ दिस पेपर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस पेपर इज बी एक्स,
area of this paper is x and area of this paper is ab, यानी कि x square plus x का common लेंगे तो x square plus a plus bx plus ab, यानी कि हम geometrical interpolation में हमें दिखाया है x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Dear friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए. Thank you everybody for watching this video.